भारतीय वैसे यूनियन प्रथम सर्वे वैसे लास्ट यार की मिला 25 का आज इस आसाम मेला में चला होता है जिस वजह से इतिहास में एक और स्वर्णिम उपलब्धि को दर्शाता है। महामारी से उभरी चुनौतियों के बावजूद टीम जीआरएस ने उत्पादन गतिविधियों को तेज करते हुए अपने अथक परिश्रम से इस महत्वपूर्ण माइलस्टोन गतिविधि ने इस पोर्टल को चलावतों हेतु तैयार करना सुनिश्चित किया है। The journey began in 1884 conversion and repair of over 4,000 naval and armored merchant vessels. 19 April 1960, all new dockworkers thus started the journey on a new course with many colors created along the way. Then you also know, GRSC Bhorosanya चौरासी में शुरू हुई जब रिवर स्टीम इरिगेशन कंपनी की स्थापना कलकत्ता और हुगली गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों पर स्थित उपनिवेशों के बीच व्यापार के लिए एक अंतर्देशीय जल परिवहन कंपनी के रूप में खुली थी। इसका प्रारंभिक कार्यालय लंदन में है। रिवर स्टीम इरिगेशन कंपनी के लिए 1884 में हुगली नदी के तट पर एक वर्कशॉप की स्थापना की गई। इस वर्कशॉप से इस ऐतिहासिक गार्डन भी स्टिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड की उत्पत्ति हुई जो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आज भारत की एक प्रमुख स्थिति आया और भारतीय नौसेना और भारतीय जल रक्षा के लिए अत्याधुनिक युद्धपोतों का निर्माण कर रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गार्डन में 4,000 से अधिक नौसेना और व्यापारिक जलयानों का निर्माण रूपांतरण और मरम्मत करके अपना पैसा मिला है। 1907 कंपनी के लिए एक नया संविधान लेकर आया जब भारत सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण किया गया। इसी के साथ कंपनी की एक नई यात्रा प्रारंभ हुई जिसमें कई प्रतिमाओं को स्थापित करते हुए देश में किए गए ऐसे अनेक प्रथम अभिनव कार्यों को करने का गौरव किया जा सकता है। A PCMM Level 2 certified company and 40th ranked in Fortune India Next 500 was conferred the status of a Mini Ratna Category 1 in 2006. Over last 61 years, GRSE has built 788 platforms, including 107 warships for the maritime forces. The highest number of warships built and delivered by any Indian shipyard till date. Shipbuilding has been the core business vertical, and the shipyard has modernized its infrastructure spread across the three ship production locations in Kolkata. With integrated ship construction using modular construction technology, we are equipped to construct 20 ships concurrently
powered with a strong team of multidisciplinary design engineers, creating innovative designs for current and future-ready warships. The state-of-the-art virtual reality lab and the latest design software aid the design team in their efforts towards innovation in ship design using better ergonomics. एक PCMM स्तर दो प्रमाणित कंपनी और 2021 के फॉर्च्यून इंडिया नेक्स्ट 500 कंपनी में 40वां स्थान पाने वाले इस शिपयार्ड को 2006 में मिनी रत्न श्रेणी एक दर्जे से सम्मानित किया जा चुका है। गत 61 वर्षों में JRSE ने समुद्री बलों के लिए 107 युद्धपोत सहित 788 प्लेटफॉर्म्स का निर्माण किया है, जो किसी भी भारतीय शिपयार्ड द्वारा अब तक किए गए युद्धपोत निर्माण और सुपुर्दगी की सर्वाधिक संख्या है। पोत निर्माण व्यवसाय का मुख्य आधार रहा है और शिपयार्ड ने कोलकाता स्थित अपने तीनों पोत उत्पादन स्थलों में फैले अपने बुनियादी ढांचों का आधुनिकीकरण किया है। वर्तमान और भविष्य में तैयार होने वाले युद्धपोतों के लिए अभिनव डिजाइन बनाने वाले बहुविषयक डिजाइन इंजीनियरों की एक मजबूत टीम की सहायता एवं मॉड्यूलर निर्माण प्रौद्योगिकी का उपयोग करके एकीकृत पोत निर्माण से JRSE एक साथ 20 पोत बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक वर्चुअल रियलिटी लैब और नवीनतम डिजाइन सॉफ्टवेयर डिजाइन टीम को पोत की डिजाइन में नवीनता लाने के उनके प्रयासों में सहायता प्रदान करते हैं। JRSE is currently executing 6 shipbuilding projects for Indian Navy and friendly foreign countries, including Guyana and Bangladesh. And these include the prestigious P-17 Alpha project for 3 advanced frigates, 2 projects, one on competitive bidding, including 4 survey vessels large and 8 anti-submarine warfare shallow water crafts, 1 fast patrol vessel, an ocean-going passenger cum cargo ferry for the Republic of Guyana, and 6 patrol vessels for the government of Bangladesh. Again, 1 on competitive bidding. JRSE वर्तमान में भारतीय नौसेना तथा गुयाना एवं बांग्लादेश सहित मैत्रीपूर्ण विदेशी राष्ट्रों के लिए 6 युद्धपोत निर्माण परियोजनाओं का निष्पादन कर रहा है, जिसमें 3 उन्नत फ्रिगेट्स के लिए प्रतिष्ठित P-17A परियोजना और प्रतिस्पर्धी बोली पर हासिल किए गए 2 परियोजनाएं, जिसमें 4 सर्वेक्षण जलयान बरे और 8 एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट शामिल हैं। भारतीय तटरक्षक के लिए 1 फास्ट पेट्रोल जलयान और गुयाना गणराज्य के लिए 1 ओशियन गोइंग पैसेंजर एवं कार्गो फेरी जलयान तथा प्रतिस्पर्धी बोली पर ही हासिल बांग्लादेश सरकार के लिए 6 पेट्रोल वेट्स भी शामिल हैं। JRSE has made commendable progress by successfully incorporating a high percentage of indigenous equipment fit into the ships being built for the Indian Navy and Indian Coast Guard, having achieved over 90% indigenous content on board anti-submarine warfare corvettes and landing craft utility ships. As far as service ships are concerned, JRSE is the pioneer in this specialized area of shipbuilding, and an oceanographic research cum hydrographic survey vessel was indigenously designed and built by JRSE in 1975, named RV Gavishani. Thereafter, INS Sandaik, a survey vessel for Indian Navy, was also designed and built by JRSE and commissioned on the 26th of February 1981. This was followed by delivery of another 5 survey vessels to the Indian Navy between 1983 to 1993. In addition to the primary role of hydrographic survey, INS Sandaik has rendered 40 years of human service to the nation, having undertaken a plethora of roles for the Indian Navy before getting decommissioned on the 4th of June this year. And here today, we shall witness the reincarnation of survey vessel Sandaik in its new avatar with improved capabilities, waiting to serve the nation yet again. The new survey vessel being launched today shall have improved features vis-a-vis the old INS Sandaik, wherein its length is 110 meter vis-a-vis 87.8 meters, beam is 16 meters versus 12.8 meters,
draft is 3.75 meters compared to 3.3 meters of the old ship, and speed achieved shall be 18 knots vis-a-vis 16 knots. On board anti-submarine warfare corvette and landing craft utility poto par 90% se adhik स्वदेशी सामग्री के प्रयोग के साथ ही जीआरएसई ने भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के लिए बनाए जा रहे पोतों में फिट होने वाले स्वदेशी उपकरणों के उच्च प्रतिशत को सफलतापूर्वक हासिल करके सराहनीय प्रगति की है। जहां तक सर्वेक्षण जलयानों का संबंध है, जीआरएसई पोत निर्माण के इस विशेष क्षेत्र में अग्रणी रहा है और एक समुद्र विज्ञान अनुसंधान सह हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत को स्वदेशी रूप से जीआरएसई द्वारा 1975 के दौरान आरवी गवेशानी नाम से डिजाइन और निर्मित किया गया था। आईएनएस संध्या के पश्चात भारतीय नौसेना के लिए एक और सर्वेक्षण पोत का डिजाइन और निर्माण जीआरएसई द्वारा किया गया था और 26 फरवरी 1981 को उसका प्रवर्तीकरण किया गया। इसके पश्चात जीआरएसई ने 1983 से 1993 के बीच भारतीय नौसेना को आईएनएस निर्देशक, आईएनएस निरूपक, आईएनएस इन्वेस्टिगेटर, आईएनएस यमुना और आईएनएस सतलज नाम के 5 और सर्वेक्षण जलयानों को सुपुर्द किया। इस वर्ष 4 जून को सेवामुक्त होने से पूर्व आईएनएस संध्या ने हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण की अपनी प्राथमिक भूमिका के अतिरिक्त भारतीय नौसेना के लिए ढेरों महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हुए राष्ट्र के लिए 40 वर्षों की शानदार सेवा की और आज फिर से बेहतर क्षमताओं के साथ अपने नए अवतार में एक बार फिर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर सर्वेक्षण पोत संध्या के पुनर्जन्म के हम साक्षी बनने वाले हैं। आज जलावतरित किए जा रहे इस नए सर्वेक्षण पोत में पूर्व आईएनएस संध्या की तुलना में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिसके तहत इसकी लंबाई पूर्व के 87.8 मीटर की तुलना में 110 मीटर तथा बीम जो पहले 12.8 मीटर थी उसकी तुलना में 16 मीटर और ड्राफ्ट 3.3 मीटर की तुलना में 3.75 मीटर है। साथ ही इसकी गति भी 16 नॉट की तुलना में 18 नॉट की होगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, जीआरएससी वेलकम्स रियर एडमिरल वी के सक्सेना, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जीआरएससी एंड श्रीमती कादंबरी सक्सेना टू दिस ऑस्पिशियस सेरेमनी एंड ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर जीआरएससी फैमिली वी एक्सटेंड अ वार्म वेलकम टू देम। देवी और सज्जनों, रियर एडमिरल वी के सक्सेना, भारतीय नौसेना सेवानिवृत्त अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक जीआरएससी एवं श्रीमती कादंबरी सक्सेना का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जीआरएससी परिवार के सभी सदस्यों की ओर से उनका हार्दिक स्वागत है। द चीफ गेस्ट फॉर टुडेज लॉन्चिंग सेरेमनी इज श्री अजय भट्ट, ऑनरेबल रक्षा राज्य मंत्री। श्री अजय भट्ट होल्ड्स अ डिग्री इन Bachelor of Arts from Kumaon University, Nainital, and worked as an advocate after completing his LLB from Constituent College, Almora. This self-motivated effervescent leader is a Member of Parliament from Nainital, Udham Singh Nagar, and is a Minister of State, Defence and Tourism. He is also a member of Standing Committee on Defence, Consultative Committee, Ministry of Health and Family Welfare, Committee on Subordinate Legislation, Joint Committee on the Personal Data Protection Bill 2019, and Committee on Estimates. A vastly experienced administrator and leader, the Honorable Minister has earlier served as Cabinet Minister in Uttarakhand, holding portfolios such as Parliamentary Affairs, Health and Disaster Management. He was also the Leader of Opposition in Uttarakhand Legislative Assembly. The Honorable Minister brings to the table a huge repertoire of knowledge and expertise in the dynamics of the defense management, administration, and operations. The revered personage earned his repute from decades of utmost diligence and robust leadership qualities, and his vision to make the nation an Atmanirbhar Bharat of the 21st century. He has contributed to impeccable results across the regions under his ambit. देवी और सज्जनों, आज के इस जलावतरण समारोह के मुख्य अतिथि माननीय रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट जी हैं। श्री अजय भट्ट जी कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल से बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल किए हैं और उन्होंने अल्मोड़ा के कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज से एलएलबी की पढ़ाई पूरी करने के पश्चात एक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया है। नैनीताल उधम सिंह नगर से संसद सदस्य और रक्षा तथा पर्यटन राज्य मंत्री होने का उन्हें गौरव हासिल है। वह रक्षा पर
अस्थायी समिति, सलाहकार समिति, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अधीनस्थ विधान पर समिति, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 पर संयुक्त समिति और अनुमान समिति के सदस्य भी हैं। माननीय मंत्री जी एक बेहद अनुभवी प्रशासक और नेता हैं। इसके पूर्व उन्होंने उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया है, जहां वो संसदीय मामलों, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन जैसे विभागों के कार्यभार को संभाल चुके हैं। वे उत्तराखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। माननीय मंत्री जी का रक्षा, प्रबंधन, प्रशासन और संचालन में वृहद ज्ञान एवं अनुभव है। आदरणीय मंत्री जी ने अपने अथक परिश्रम और मजबूत नेतृत्व गुणों से अपनी विशिष्ट ख्याति अर्जित की है और राष्ट्र को 21वीं सदी का आत्मनिर्भर भारत बनाने की उनकी दृष्टि ने उनके दायरे में आने वाले सभी क्षेत्रों में सटीक एवं सार्थक परिणामों में योगदान दिया है। हेलो, देवी और सज्जनों, हमारे लिए ये बेहद गौरव की बात है कि आज हमें भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर वाइस एडमिरल अधीर अरोड़ा, CWP&A वाइस एडमिरल किरण देशमुख एवं FOCNC ईस्टर्न नेवल कमांड वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता के साथ साथ अन्य प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। The contract for 4 ships of the survey vessel project was signed on the 30th of October 2018. The vessels are capable of full-scale coastal and deep water hydrographic survey of ports and harbors, approaches and determination of navigational channels and routes. The vessels are propelled by 2 marine diesel engines with FPP, bow thrusters and stern thrusters, and are capable for maneuvering at low speeds during surveys. These ships have been designed completely by the in-house design team of GRSE and are constructed utilizing the concepts of integrated construction methodology. Accordingly, a very large amount of pre-outfitting is being carried out at the block stage itself. SVL परियोजना के अंतर्गत 4 पोतों के निर्माण हेतु अनुबंध पर हस्ताक्षर 30 अक्टूबर 2018 को हुआ। ये जलयान पोर्ट एवं बंदरगाहों अप्रोचों के पूर्ण पैमाने पर तटीय और गहरे जल के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नेविगेशन चैनलों और रूट के निर्धारण में सक्षम है। इसके अतिरिक्त पोत समुद्री सीमाओं का सर्वेक्षण करने और रक्षा अनुप्रयोगों के लिए महासागरीय और भौगोलिक डेटा के संग्रहण में सक्षम है। जलयान को भारत में बने 2 समुद्री डीजल इंजन द्वारा संचालित किया जाता है। फिक्स्ड पिच प्रोपेलर्स के साथ संयुक्त बो और स्टर्न थ्रस्टर सर्वेक्षण के दौरान कम गति पर सहज कुशलता प्रदान करते हैं। इन पोतों का निर्माण एकीकृत निर्माण की अवधारणाओं का उपयोग करते हुए संपूर्ण रूप से टीम GRSE द्वारा इन हाउस डिजाइन किया जा रहा है। तदनुसार ब्लॉक स्तर पर ही मैन होल हैच, सीटों आदि के फिटमेंट जैसे प्री आउटफिटिंग कार्य बड़ी मात्रा में किए जा रहे हैं। पोत निर्माण प्रक्रिया का आरंभ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने व स्टील आउटफिटिंग मदें, उपकरण और नेविगेशन तथा संचार उपकरण जैसे सामग्रियों के आदेश के साथ होता है। उत्पादन के महत्वपूर्ण माइलस्टोन में इस्पात की कटिंग शामिल है, जिसे उत्पादन आरंभ चरण के नाम से भी जाना जाता है। तत्पश्चात शिलान्यास किया जाता है, जिसके उपरांत कील ब्लॉक के समानांतर अन्य ब्लॉकों का निर्माण किया जाता है। अगला पड़ाव जलावतरण है, जिसमें पोत का हल और उसके सभी अंडर वाटर कार्यों के पूरा होने के पश्चात उसे पहली बार जल में प्रवेश करवाया जाता है। जलावतरण के पश्चात पोत में उपकरण और प्रणालियों की आउटफिटिंग की जाती है एवं उसके पश्चात उपकरणों का ट्रायल होता है। सभी परीक्षणों को पूरा करने पर अनुबंध के अनुसार कंपार्टमेंट्स तैयार होने के बाद ग्राहकों को पोत सुपुर्द किया जाता है। आपके समक्ष खड़े इस पोत का शिलान्यास नवम्बर 2019 में किया गया था और तब से टीम GRSE के 500 से अधिक श्रमिक पोत पर कार्य कर रहे हैं। COVID-19 के प्रकोप से इसका निर्माण थोड़ा बाधित हुआ, परंतु इन सभी चुनौतियों को पार पाते हुए टीम GRSE ने 40% की समग्र प्रगति के साथ पोत के जलावतरण को सुनिश्चित किया है।
देवी और सज्जनों, भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर वाइस एडमिरल अधीर अरोड़ा का आगमन हो चुका है। यहाँ उपस्थित सभी की ओर से हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। Ladies and gentlemen, Vice Admiral Adhir Arora, Chief Hydrographer, Government of India, has arrived. On behalf of all present here, GRSE extends a very warm and hearty welcome to him. Devi aur sajjano, pot ka jalavatran kisi pot ke jeevan ki mahatvapurna upalabdhi hoti hai, jo vastav mein pot ke janm ka suchak hota hai. इसलिए प्रथा के अनुसार पोत का जलावतरण महिला के हाथों में किया जाता है, जिससे वो पोत की जननी स्वरूपा भी हो जाती हैं। पोत के जलावतरण का तात्पर्य पोत के मुख्य हल का तैयार होना और उसे पहली बार जल में उतारना है। जलावतरण के पश्चात उपकरणों और पोत प्रणालियों का फिटिंग आउट कार्य पूरा किया जाएगा और इस पोत का प्रवर्तीकरण से पूर्व समुद्री परीक्षण के लिए ले जाया जाएगा। आज हमारे पोत का जलावतरण माननीय रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट की धर्म पत्नी श्रीमती पुष्पा भट्ट के कर कमलों से संपन्न होगा। लॉन्चिंग ऑफ अ शिप इज एन इम्पोर्टेंट माइलस्टोन इन द लाइफ ऑफ अ शिप व्हिच एक्चुअली सिग्निफाइज बर्थ ऑफ द शिप। हेंस लॉन्चिंग ऑफ अ शिप इज ट्रेडिशनली कैरिड आउट बाय अ लेडी हु इन फैक्ट इज द मदर ऑफ द शिप। लॉन्चिंग ऑफ अ शिप मार्क्स कंप्लीशन ऑफ मेन हल ऑफ द शिप एंड पुटिंग द शिप इन वॉटर फॉर द फर्स्ट टाइम। आफ्टर लॉन्चिंग balance fitting out of equipment and ship systems would be completed and ship would be put to sea for trials before commissioning. Today, our ship will be launched by Srimati Pushpa Bhatt, wife of Sri Ajay Bhatt, Honorable Raksha Rajya Mantri. Devi aur sajjano, GRSE pot nirman ke alawa ek vividhtapurna sangathan ke roop mein इंजन जीर्णोद्धार असेंबली और परीक्षण तथा अन्य इंजीनियरिंग संबंधी कार्य भी करता है। इंजीनियरिंग प्रभाग डेक मशीनरी मदे पूर्व निर्मित पोर्टेबल स्टील ब्रिज एवं मरीन पंपों का निर्माण करता है। यद्यपि जीआरएसई की मुख्य कार्यदक्षता पोत निर्माण की रही है, तथापि भारतीय थल सेना, सीमा सड़क संगठन, राज्य PWD और केंद्र सरकारों को 5300 से अधिक पोर्टेबल स्टील ब्रिजों की आपूर्ति की गई है। मुख्य रूप से आपदा प्रबंधन के लिए उपयोग होने वाले इन ब्रिजों को भूटान, नेपाल, म्यांमार और श्रीलंका सहित मित्रवत देशों को निर्यात भी किया गया है। आप सभी को ज्ञात होगा कि आपदा के समय में जीआरएसई ने 6 दिन के रिकॉर्ड समय में माजरेट ब्रिज को इंस्टॉल करने के साथ ही पुनः 12 दिन के रिकॉर्ड समय में ही VIP रोड और शॉर्ट लेक को जोड़ने वाले ब्रिज को भी इंस्टॉल किया था। Ladies and gentlemen, GRSE extends a very warm and hearty welcome to Vice Admiral Kiran Deshmukh, CWP&A. देवी और सज्जनों, वाइस एडमिरल किरण देशमुख CWP&A का आगमन हो चुका है। यहाँ उपस्थित सभी की ओर से हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। On behalf of all present here, GRSE extends a very warm and hearty welcome to FOC&C East Vice Admiral Bishwajit Dasgupta. देवी और सज्जनों, FOC&C East Vice Admiral Bishwajit Dasgupta का आगमन हो चुका है। यहाँ उपस्थित सभी की ओर से GRSE उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती है। Ladies and gentlemen, in addition to shipbuilding, GRSE is a diversified organization. The shipyard is engaged in engine overhaul, assembly testing, and other engineering activities. The engineering division manufactures deck machinery items, prefabricated portable steel bridges, and marine pumps. Though the core competency of GRSE has been shipbuilding, more than 5,300 portable steel bridges have been supplied to Indian Army, Border Roads Organization, state PWDs, and central governments. These bridges, primarily used for disaster management, have also been exported to friendly countries including Bhutan, Nepal, Myanmar and Sri Lanka.
देवी और सज्जनों, एक बंगाल आधारित सार्वजनिक उपक्रम के रूप में जीआरसी ने अपने आसपास हमेशा विकास का माहौल बनाए रखने पर ध्यान दिया है। उपरोक्त विरासत गत वर्षों में भी जारी रहा और नए युग के स्मार्ट व्यवसायिक समाधानों को अपनाने के साथ ही जीआरसी स्थानीय एमएसएमई विक्रेताओं से क्रय में सुधार, स्थानीय व्यवसायिक समाधानों को अपनाने के साथ ही सीएसआर गतिविधियां, कोविड 19 राहत सहायता और रोकथाम उन्मुख गतिविधियों में रणनीतिक रूप से ध्यान केंद्रित कर विकास के इस माहौल को और बल प्रदान किया है। जीआरएससी गत कई वर्षों से अपने कार्यों को स्थानीय एमएसएमई विक्रेताओं को आउटसोर्स करता रहा है। इसके फलस्वरूप छोटे व्यवसायों के स्थानीय नेटवर्क का निर्माण हुआ है, जिससे बंगाल में काम करने वाले लघु और मध्यम क्षेत्र के संगठनों में काफ़ी तेजी आई है। हमारे विक्रेता हमारे साथ दीर्घकालीन साझेदारी में जुड़े हुए हैं, जिससे स्थिर व्यवसाय और अस्थायी आजीविका का निर्माण हो रहा है। Building of a ship. Building of a ship starts with signing of contract, finalization of design, and ordering of material, including steel, outfitting items, machinery equipment, and navigation and communication systems. The important milestones of production involves the process of cutting of steel, which is called the start production stage, followed by keel laying, subsequent to which the other blocks are built around the keel block. The next phase is launching, when the ship is placed in water for the first time, after the hull form is ready and all underwater jobs are completed. Subsequently, ship is outfitted with equipment and systems post-launch, followed by trials of equipment. On completion of all trials and once the compartments are ready, the ship is delivered to the customer. देवी और सज्जनों, कंपनी समय समय पर अपने स्तर को बढ़ाती रही है और इस प्रमुख पोत निर्माता ने आंतरिक क्षमता और लाभ मार्जिन में सुधार के लिए कई क्षेत्रों में नवीनतम तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स के समावेश के साथ एक विकास पथ की ओर अग्रसर है। स्वचालन, रोबोटिक्स और वस्तुओं के औद्योगिक इंटरनेट में नवाचार के साथ इसकी रणनीति स्मार्ट विनिर्माण और उद्योग 4.0 में शिफ्टिंग के इर्द गिर्द रही है। न केवल डिजाइन और उत्पादन में बल्कि मानव संसाधन, सुरक्षा और प्रशासन के क्षेत्रों में भी जीआरएससी ने सभी कर्मचारियों के लिए एआई सक्षम एचआर चैटबोट सहित स्मार्ट पहलों को लागू किया है, ताकि वे अपने दस्तावेजों को कभी भी कहीं से भी एक्सेस कर सकें। शिपयार्ड ने निगरानी के लिए 24/7 AI सक्षम CCTV प्रणाली स्थापित करके बुनियादी ढांचे और अन्य संपत्तियों की सुरक्षा के संबंध में नवीनतम तकनीक को अपनाया है। अधिकारियों द्वारा स्थानीय आवागमन के लिए विद्युत वाहन भी गो ग्रीन पहल के रूप में शुरू किए गए हैं। As a Bengal based public sector organization, GRSE has always been instrumental in creating an ecosystem of development around the vicinity. The legacy continued to grow over the years, and with adoption of new age smart business solutions, GRSE has been contributing to the ecosystem with strategic focus towards improving the procurement from local MSME vendor base, CSR activities for local underprivileged society, activities oriented towards COVID-19 relief, aid and prevention. GRSE has also been outsourcing work to local MSME vendors for past many years now. This has led to the creation of a local network of small businesses, giving a sturdy boost to the small and medium sector organizations operating in Bengal. Our vendors are associated with us in long-term partnerships, ensuring steady business and sustainable livelihood. As the company continues to raise its bar, the ACE Shipbuilder has set sail towards a growth trajectory. With incorporation of latest technologies, artificial intelligence, machine learning, and data analytics in several areas of operation to improve internal efficiencies and profit margins.
Its strategies revolve around shifting to smart manufacturing or Industry 4.0 with innovation in automation, robotics, and the industrial Internet of Things. Not just in design and production, but also in areas of HR, security and administration, GRSE has implemented smart initiatives. Ladies and gentlemen, our chief guest, Sri Ajay Bhatt, Honorable Raksha Rajya Mantri, and Srimati Pushpa Bhatt have arrived. GRSE is deeply honored by their esteemed presence on this occasion. On behalf of all present here, GRSE extends a very warm and hearty welcome to them. Devi aur sajjano, Maniya Raksha Rajya Mantri, Sri Ajay Bhatt and Srimati Pushpa Bhatt ka agman ho chuka hai. GRSE unki garima mein upasthiti se gaurvanvit mehsoos kar rahi hai. यहाँ उपस्थित सभी की ओर से जीआरएसई उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती है। देवी और सज्जनों, ये हमारे लिए बेहद गौरव की बात है कि आज हमारे बीच माननीय रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट एवं श्रीमती पुष्पा भट्ट का सानिध्य प्राप्त होगा। जीआरएसई उनकी गरिमा में उपस्थिति से गौरवान्वित महसूस कर रही है। यहाँ उपस्थित सभी की ओर से जीआरएसई उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती है। रक्षा राज्य मंत्री एंड श्रीमती पुष्पा भट्ट हैव अराइव्ड। जीआरएसई इज डीपली ऑनर्ड बाय देयर एस्टीम्ड प्रेजेंस ऑन दिस ओकेजन। ऑन बिहाफ ऑफ ऑल प्रेजेंट हियर, GRSE extends a very warm and hearty welcome to them. Ladies and gentlemen, our chief guest, Sri Ajay Bhatt, Honorable Raksha Rajya Mantri, and Srimati Pushpa Bhatt have arrived. GRSE is deeply honored by their esteemed presence on this occasion. On behalf of all present here, GRSE extends a very warm and hearty welcome to them. Devi aur sajjano, Maniya Raksha Rajya Mantri, Sri Ajay Bhatt, एवं श्रीमती पुष्पा भट्ट का आगमन हो चुका है। जीआरएसई उनकी गरिमा में उपस्थिति से गौरवान्वित महसूस कर रही है। यहाँ उपस्थित सभी की ओर से जीआरएसई उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती है। ये हमारे लिए बेहद गौरव की बात है कि आज हमारे बीच माननीय रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट स्वयं उपस्थित हैं और उनकी गरिमा में उपस्थिति से हम सभी जीआरएसई गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इट इज आवर प्लेजर टू हैव श्री अजय भट्ट जी, ऑनरेबल रक्षा राज्य मंत्री एंड श्रीमती पुष्पा भट्ट विद अस हियर टुडे। जीआरएसई इज डीपली ऑनर्ड बाय देयर एस्टीम प्रेजेंस ऑन दिस ओकेजन। ऑन बिहाफ ऑफ ऑल प्रेजेंट हियर, जीआरएसई एक्सटेंड्स अ वेरी हार्टी वेलकम टू बोथ ऑफ देम।
Ladies and gentlemen, we begin the traditional part of the launching ceremony today with Ganesh Vandana. Devi aur sajjano, hum jalavatran samarah ke paramparik bhag ka shubharambh Ganesh Vandana se karenge. गणपति नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया ओम गणपति नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया ओम गणपति नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया ओम गं गणपति नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया गणेश वंदना की इस भक्तिमय प्रस्तुति के पश्चात अब समय है स्वागत भाषण का। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा हमारे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय से कि वे कृपया अपना स्वागत भाषण दें।
ऑनरेबल रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट जी, रेस्पेक्टेड श्रीमती पुष्पा भट्ट जी, वाइस एडमिरल बी दासगुप्ता, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग चीफ ईस्ट नेवल कमांड, वाइस एडमिरल किरण देशमुख CWPNA, वाइस एडमिरल अधीर अरोरा चीफ हाइड्रोग्राफर, फ्लैग ऑफिसर्स फ्रॉम द आर्म फोर्सेस इंडियन कोस्ट गार्ड, सीनियर ऑफिसर्स, अदर डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, स्कूल चिल्ड्रन विच आर अदर साइड ऑफ द शिप, अदरवाइज वी वुड हैव सीन देम फ्रॉम द स्टेज, मिस्टर ईआर शेख डायरेक्टर जनरल ऑर्डिनेंस, वाइस एडमिरल बदवार फॉर्मर चीफ हाइड्रोग्राफर ऑफ इंडियन नेवी, डायरेक्टर्स ऑफिसर्स सुपरवाइजर्स वर्कर एंड ऑपरेटिव्स ऑफ जीआरएससी, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द ऑफिसर्स एंड सुपरवाइजर एसोसिएशंस, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ क्लरिकल एंड ऑपरेटिव यूनियंस, फ्रेंड्स फ्रॉम मीडिया, लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड आफ्टरनून एंड वेरी हार्टी वेलकम टू ईच वन ऑफ यू टू जीआरएससी ऑन दिस मोमेंटस ओकेजन ऑफ लॉन्चिंग सेरेमनी ऑफ द फर्स्ट ऑफ द सीरीज ऑफ फोर सर्वे वेजर लार्ज विच इज बींग कंस्ट्रक्टेड बाय जीआरएससी फॉर द इंडियन नेवी. एट द आउटसेट आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई डीप ग्रैटिट्यूड टू ऑनरेबल रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट जी फॉर एक्सेप्टिंग आवर इन्विटेशन and sparing his valuable time to grace this occasion. Sir, your presence here today, despite of severe cyclonic weather conditions and you flying in the morning all the way from Delhi to come here today at Kolkata, is a matter of great pride, motivation and happiness for all of us in the GRC. Thank you very much, sir. My sincere thanks to Srimati Pushpa Bhatt ji for generously consenting to visit GRC to carry out the traditional naming ceremony of the ship and launch her into the holy waters of River Hooghly. This is a landmark event for the ship as it touches the water for the first time and thereby literally marking her birth. In this process, Srimati Bhatt takes on the mantle of being called the mother of the ship. शिप की माता जी कहलाएंगी आज के बाद आप. आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल टू वाइस एडमिरल दासगुप्ता, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ईस्ट नेवल कमांड, एडमिरल वाइस एडमिरल किरण देशमुख, वाइस एडमिरल अरोड़ा एंड अदर फ्लैग ऑफिसर्स, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट फॉर ग्रेसिंग दिस ओकेजन. इट्स इंडीड अ प्राइड मोमेंट फॉर बोथ इंडियन नेवी एंड जीआरएससी टुडे. लेडीज एंड जेंटलमैन, GRS is a long association with the Indian Navy which goes back to 1961 when the shipyard delivered INS Ajay, the country's first indigenously made warship, to the Navy. Since then, GRS has delivered more than 105 vessels to our maritime forces, 70 to Indian Navy and 35 to the Indian Coast Guard, thereby playing a vital role in the maritime security of the nation. I am proud to state that GRS is the first and the only shipyard in the country to achieve this unique milestone of scoring century landmark. In fact, GRS has built and delivered more than 788 platforms of various roles and varieties for different customers, including 105 warships to our maritime forces. So it is very, very large numbers. During last 6 decades, GRC has a distinction of making a variety of warships for Indian Navy, Indian Coast Guard, ranging from frigates to the missile corvettes, to the ASW corvettes, survey vessels, amphibious ships, fleet tanker. In fact, we have the capability to make the platform from 5-ton fast interceptor boats to 24,600-ton fleet tanker. With our modernized infrastructure and modular integrated construction facility, which is in line with the best in the world, shipyard have now the capacity to build 20 warships concurrently
8 large and 12 medium small ships. Shipyards has done extremely well when it comes to Government of India and MOD's thrust policies and initiatives on self-reliance, Indianization and Atmanirbharta. Towards this, GRIC enjoys the distinction of achieving close to 90% indigenous content on recently completed projects, major ones for the Indian Navy, the first one being 4-in-number ASW corvettes. They are the weapon platforms, and also 8-in-number landing craft utility Mark IV ships. They have been supplied to the Andaman and Nicobar Command. Today, we are about to witness the launch of the largest survey vessel ever built in India, the magnificent 110-meter long ship standing in front of all of us. It is interesting to note that GRIC has a distinction of building 6-in-number Sandhya class hydrographic survey vessels for Indian Navy in early 80s. The 1900-ton older Sandhyak was launched on 6th of April 1977 in this very unit itself and was commissioned on 14th of March 1981 in the Indian Navy. After rendering a glorious service to the nation and to the Indian Navy for over 4 decades, she was decommissioned this year in June at Eastern Naval Command, Visakhapatnam. It is often said that while the warships gets decommissioned, her soul lives on, and it only gets reincarnated in other form. And today, we have in front of us the new ship ready for her rebirth in a short while. This 110-meter long 3,400-ton ship with endurance of 6,500 nautical miles is being fitted with the state-of-the-art highly sophisticated survey equipment and the sensors. The ship will have high level of automation through platform management system, integrated bridge management system, autonomous power management system, integrated data acquisition and processing system, autonomous underwater vessels, remotely operated vehicles, and many more such modern equipment and machineries with integral helicopter ALH onboard ship. The contract for this project was awarded in October 2018 to GRIC, and we have won this contract, which was worth 2,500 crores on a competitive bidding basis, which involved both public and private shipyards of the country. The design of these ships are being done by in-house design team of 100 plus highly qualified and experienced design engineers using state-of-the-art 3D virtual reality lab and adopting integrated construction techniques in constructions of these ships. Sir, I am very proud to inform you that despite enormous challenges, limitations, impediments imposed by COVID-19, the entire team GRIC, including warship overseeing team of the Indian Navy, which is co-located with us at Kolkata, large number of subcontractors and members of classification societies have been working relentlessly by adopting multi-pronged new approaches and innovative build strategies to keep up the pace of the construction work while adhering to COVID prevention norms. The fact that the ship is being launched with close to 40% overall construction progress achieved is reflection of the commitment and dedication effort put in by all the stakeholders in such adverse conditions of COVID-19. Usually, this size of a ship is generally launched with around 25 to 30% of the construction. So you can imagine that despite of COVID challenges, we have achieved this. And result would be, after her launch, the rest of the construction work perhaps will get over faster and will be ready for delivery to the Indian Navy. At this moment, GRIC is executing 6 projects involving construction of 23 platforms. In that, the 3 projects are of the Indian Navy. In that, one most biggest and the prestigious one being construction of 3 stealth missile frigate
or P-17 Alpha, 4 survey vessel large of the same series, 8 ASW shallow water craft. Put together, 15 warships of the Indian Navy is being constructed at GRSE here. We also have one project of the Indian Coast Guard for construction of one fast patrol vessel, and of course, one export ship of Government of Guyana, and one project of construction of 6 in number patrol vessels for Government of Bangladesh. Sir, in line with the Ministry of Defense focus and thrust on export of defense products, GRSE has been successful in bagging export orders of about $28 million in year 2021. This includes contract for the construction of 1 in number ocean going passenger cum cargo vessel 1700 ton for Government of Guyana, just now I have said. And we have also one other project on competitive basis for the Fishery Department of Government of Bangladesh for construction of 6 in number patrol boats for them. We exported one fast patrol vessel built in GRSE to Government of Seychelles in February 2021. This ship was handed over virtually by Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, on 8th of April 2021 to the President of Republic of Seychelles. With a healthy order book of over ₹25,000 crore, and shipbuilding, as we know, that is a mother industry with a multiplying factor of 6.5 plus, the GRSE is generating considerable direct and indirect employment, not only in the eastern region, but across the country, by engaging and supporting large number of MSMEs and auxiliary industries who are integral part of the shipbuilding ecosystem of our country. Sir, during the pandemic, we were the first DPSU shipyard to open a COVID vaccination center within GRSE premises, achieving 98% double vaccination doses to our employees. And more than 3,500 employees of the contract workmen have also been vaccinated. We have provided oxygen generating plants to 3 hospitals of Kolkata, donated 3 ambulances, large number of oxygen cylinders, and many other COVID-related support material to needy and underprivileged persons of the society. On this momentous occasion, I would like to place on record my gratitude to Naval Headquarters, especially Directorate of Naval Design, Directorate of Hydrography, and other professional directorates of the Naval Headquarters for helping us and guiding us in accomplishing several milestones against the numerous challenges. My very special thanks to WPS and Team WOT, who have provided very prompt and professional overseeing and inspection support to us. The Casino Society, IRS, has played a vital role, and our thanks to them for their valuable service. I would like to convey my special thanks to our industry partners, various OEMs, the block fabricators, and support vendors based here who played a stellar role in making the launch a reality today. Finally, I would like to place on record my deepest appreciation of the untiring efforts and sustained and dedicated efforts put in by the entire team GRSE, who have strived hard to overcome severe odds and challenges to make the launch of the ship possible today. In the end, on behalf of all the personnel of GRSE, I once again thank Honorable Rajya Raksha Mantri, Shri Ajay Bhattaji, Shrimati Pushpa Bhattaji, FOCNC East, who has also flown today morning all the way from Vizag, and all the distinguished guests who are present here today for gracing this occasion. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharati Nau Sena, Jai GRSE. Dhanyavad, sir. It is our privilege to have Shri Ajay Bhatt, Honorable Raksha Rajya Mantri ji, with us today. May I now request Shri Ajay Bhatt ji to address this august gathering on this occasion.
हमारे लिए यह अत्यंत गर्व और सम्मान की बात है कि हमारे बीच माननीय रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट जी उपस्थित हैं। उनसे सादर अनुरोध है कि वे कृपया इस विशिष्ट जनसमूह को संबोधित करें। भारत माता की जय। हमारे बीच में हमारे वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता जी, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्न नेवल कमांड, एडमिरल किरण देशमुख जी, कंट्रोलर ऑफ वारशिप प्रोडक्शन एंड एक्विजिशन, वाइस एडमिरल अधीर अरोड़ा जी, भारत सरकार के चीफ हाइड्रोग्राफर रियर एडमिरल सह नौसेना अध्यक्ष बिपिन कुमार सक्सेना जी, सेवानिवृत्त अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक GRSE कोलकाता, विशिष्ट अतिथिगण, सभी बहनें, सभी भाई, आर्मी के सभी जितने भी विभिन्न हमारी सेनाएं हैं उसके सभी ऑफिसर्स और अन्य जितने भी यहाँ पर लोग इस पवित्र कार्यक्रम में लगे हुए हैं, सभी लोग और मीडिया के सदस्य भाई बहनों, इस विशाल और भव्य जहाज संधायक के लॉन्च के महत्वपूर्ण अवसर का हिस्सा बनना मेरे और मेरी पत्नी के लिए वास्तव में एक बड़े सम्मान और सौभाग्य की बात है। मुझे बताया गया है कि यह जहाज भारतीय नौसेना के लिए GRSE द्वारा बनाई जा रही चार बृहत सर्वेक्षण पोत जहाजों में से पहला जहाज होगा। यह जानना भी सुखद है कि पुराना संधायक, जिसका इस वर्ष जून में डीकमीशन हुआ था और जिसने 40 वर्ष तक देश की सेवा भी की थी, उसे भी GRSE द्वारा ही बनाया गया था। यह नया और पहले से बहुत अधिक बड़ा संधायक जो अभी हमारे सामने खड़ा है, पुराने संधायक से अधिक सक्षम और उन्नत है। नया जहाज डिस्प्लेसमेंट को लेकर पहले जहाज से 60% अधिक बड़ा होगा और स्टेट ऑफ द आर्ट है। यह नवीनतम हाइड्रोग्राफिक उपकरणों और प्रणालियों के साथ साथ सुसज्जित होगा। इसमें एटोनॉमस अंडर वाटर वेसल, रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल, मल्टीबैन इकोसिस्टम, इको साउंडर सिस्टम, भूमि सर्वेक्षण सर्वे, मोटर बोट एंड इंट्रीगल हेलीकॉप्टर के साथ ये एडवांस्ड इक्विपमेंट सिस्टम तटीय और गहरे जल में हाइड्रोग्राफिक सर्वे की अपनी प्राइमरी भूमिका को दक्षतापूर्वक करा पाने में सक्षम होंगे और इस प्रकार देश के जहाजों के लिए सुरक्षित चार्टिंग नेगेटिव नेविगेशनल आवश्यकताएं पूरी हो सकेंगी। मुझे यह जानकर खुशी है कि इस नए सर्वे पोतों के डिजाइन में हल फ्रॉम से हाई सी वाले राज्यों में हेलीकॉप्टर प्रचालन, कठोर सी कीपिंग और युद्धाभ्यास आवश्यकताएं पूरी होंगी। रक्षा तथा सिविल एप्लीकेशन के लिए ओसनोग्राफिक और जियो फिजिकल डाटा का एकत्र करने के लिए भी बृहद सर्वेक्षण पोतों को तैनात किया जाएगा। मैं फ्रीक्वेंटली बोलने की आदत है, तो
तो अगर कहीं पर कोई दिक्कत हो तो कोई फील नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों को वैसे बोलना पड़ता है, तो इसमें थोड़ा सा टेक्निकली एक एक चीज़ हम बोलते हैं। तो तैनात किया जाएगा सरकार के 230 तक के न्यू इंडिया विजन के अनुसार ब्लू इकोनॉमी विकास का कोर डायमेंशन होगी और न्यू सर्वे वेसल समुद्री क्षेत्र में सतत विकास के लिए पहल और विजन को पूरा करने हेतु मेजर कंट्रीब्यूटर होंगे। संधायक केवल समुद्र में हमारे जहाज़ों की सेफ नेविगेशन को ही नहीं बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र के अन्य मित्र देशों के लिए भी नेविगेशन को सुनिश्चित करेगी। इससे न केवल हमारी द्विपक्षीय संबंध सुदृढ़ होंगे बल्कि भविष्य में हमारे देश के लिए वाणिज्य अवसरों को खोलने और उन्हें प्रोत्साहित करने में सहायता प्राप्त होगी। अपने सेकेंडरी रोल में यह जहाज युद्ध और अन्य आपात स्थिति के दौरान हॉस्पिटल शिप में परिवर्तित होने के अलावा लिमिटेड डिफेंस प्रदान करने में भी सक्षम होगा। प्रथम सर्वे वेसल के लॉन्च से हमारे प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया के विजन और आत्मनिर्भर भारत के विजन के रूप में स्वदेशी पोत निर्माण के लिए हमारी प्रतिबद्धता को एक बड़ी ताकत मिली है। सर्वे वेसल लार्ज में लागत के हिसाब से 80% से अधिक स्वदेशी कंटेंट होगा। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि रक्षा उत्पादन को बड़े पैमाने पर भारतीय निर्माण इकाई द्वारा निष्पादित किया जा रहा है, जिससे हमारे देश में रोजगार और एक्सपर्टीज जनरेट होगा। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारे युवाओं के लिए देश के भीतर ग्रेटर लोकलाइजेशन और हायर एम्प्लॉयमेंट सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा सरकार द्वारा डेडिकेटेड डिफेंस प्रोडक्शन कॉरिडोर बनाने का विजन रखा गया है। आज हमारे महान राष्ट्र के नागरिक और नागरिक के तौर पर हमें इस बात का गर्व है कि भारत उन राष्ट्रों के इलीट ग्रुप में शामिल है जो अपने निजी युद्ध पोतों का निर्माण कर रहे हैं। आपको यह जानकर भी बहुत खुशी होगी कि भारतीय नौसेना के लिए 39 युद्ध पोत और पनडुब्बियों का निर्माण देश के भीतर अलग अलग शिपयार्ड्स में विभिन्न चरणों में है। मुझे इस बात पर भरपूर संतोष है और गर्व की अनुभूति हो रही है कि जीआरएसी ने पिछले 6 दशकों के दौरान स्वयं को एक ऐसे आधुनिक शिपयार्ड के रूप में विकसित किया है जिसने लगभग 800 वेसल्स डिलीवर किए हैं। इसमें से 105 वॉरशिप्स राष्ट्र के लिए हैं। मैं इंडियन नेवी और जीआरएसी को बधाई देता हूं कि स्वदेशी शिप्स बनाने के राष्ट्र के सपने को साकार करने में अहम भूमिका निभाई है। यह उल्लेखनीय है कि इंडियन नेवी और जीआरएसी प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स और एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट जैसे राष्ट्रीय महत्व की कई अन्य परियोजना पर भी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वास्तव में यह प्रशंसनीय है कि कोविड-19 महामारी के कारण सामने आई कई चुनौतियों और बाधाओं के बावजूद भी इस मेजर वॉरशिप का लॉन्च संभव हो सका है। इंडियन नेवी और टीम जीआरएसी के ऑफिसर्स और अन्य सभी लोगों की सकारात्मक भावना तथा उत्साह को देखकर मुझे पूरा विश्वास है कि हम और अधिक ताकतवर बनेंगे और अपने महान राष्ट्र के विकास के लिए योगदान कर सकेंगे। आज का दिन उन सभी के लिए गर्व और आत्मसंतोष का दिन है जो इन स्टेट्स ऑफ द आर्ट सर्वे वेसल्स
शिप की डिजाइन और कंस्ट्रक्शन से जुड़े रहे हैं। मैं इंडियन नेवी टीम जीआरएसी क्लासिफिकेशन सोसाइटी, विभिन्न ओएम्स और अन्य स्टेक होल्डर्स का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस शिप को मौजूदा स्थिति में लाने में गत 2 वर्षों के दौरान कठोर मेहनत की है और इसे लॉन्च के लिए तैयार किया है। संधायक का अर्थ होता है कोई ऐसा जो स्पेशल सर्च करता है। मुझे विश्वास है कि यह जहाज अपने नाम को सार्थक करेगा और हमारी मैरीटाइम हिस्ट्री में अपना विशेष स्थान बनाएगा। मुझे विश्वास है कि संधायक एक दिन समुद्र की लहरों पर सवार होगा और समुद्री क्षेत्र पर पूरे विश्वास और भरोसे के साथ राज करेगा। सर्वे वेसिल्स लार्ज प्रोजेक्ट से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को एक बार फिर हार्दिक बधाई देता हूं। आइए एक बार फिर हम साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि इस परियोजना के साथ नियोजित सभी माइलस्टोन समग्र रूप से समय पर पूरे हों। मित्रों, मैं इस अवसर पर एक बात अवश्य कहना चाहता हूं कि हमारी संस्कृति मातृ पूजन की है। नारी का सम्मान करना प्राथमिकता है। हर मनुष्य की मां होती है, चाहे कोई संत हो, चाहे कोई आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत ही उच्च पदों पर हो, कोई वैज्ञानिक हो, सेना के अधिकारी हो, राजनेता हो, कोई व्यक्ति बिना मां के आज तक नहीं रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि माताएं अपने पुत्र को पालती हैं, अपने बच्चों को पालती हैं, एक स्नेह देती हैं, प्रेम देती हैं और वो निर्माण करती हैं भविष्य के लिए कि मेरा बेटा या मेरी बेटी अच्छे बने, आगे बढ़ें। और उसी तरह मुझे आज यहाँ पर अपने नेवी में ये देखने को मिला कि मातृशक्ति को कितना स्थान दिया जाता है कि जहाज की भी माँ है आज, उसकी माँ मेरी पत्नी है। तो सवाल पत्नी का नहीं है, सवाल है इज्जत देने का, आदर देने का। और वैसे भी आर्मी में हम लोग कहीं पर भी होते हैं अपनी बहनों को पहले इज्जत देते हैं, उठ के इज्जत देते हैं। अभी मेरी बहन वहाँ पर आई थी तो मैं सबसे पहले उठा, मैंने नमस्कार कहा, उनकी ड्यूटी हमारे लिए लगी थी, जब वो जाने लगी मैं खड़ा हुआ। ये एक सिस्टम है। हम माँ को कितना उच्च मानते हैं और वास्तव में माँ है, भारत हमारी माँ है। आप जानते हैं विश्व में कोई देश के आगे फलाना देश माँ, अमेरिका देश माँ, इंग्लैंड देश माँ नहीं लगा है, सिर्फ और सिर्फ भारत माता और भारत माता की जय हम बोलते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। मैं इस अवसर पर इतना और कहना चाहूँगा कि आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन 7 सालों में ऐतिहासिक काम कर चुके हैं हर क्षेत्र में। आपको पता होगा कि अटल टनल जो हमने बनाई है सिर्फ और सिर्फ आर्मी से 7 करोड़ रुपए प्रतिदिन हम बचा रहे हैं, 7 करोड़ रुपए। कुछ लोगों को, कम लोगों को पता है, सिर्फ आर्मी सर्विसेज से जो हम जाते हैं, वरना 12 महीने वहां बर्फ गिरी रहती थी। एक से एक अच्छे काम आज हमारे हो रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में हमारी सीमाएं, नॉर्थ ईस्ट में भी नहीं, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यानी कि जल में, थल में, नभ में हम पूरी तरह से आज सुरक्षित हैं और लगातार आपके त्याग, तपस्या, बल के तौर पर, और हमको जो हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, उनकी वजह से हम आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। हम आज हर क्षेत्र में दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सक्षम हैं। एक 62 था और एक आज है। हर जगह पर, चाहे हमारी नौसेना है, हमारी वायुसेना है, हमारी थल सेना है, हर जगह पर चाक चौबंद हैं और हमारी सीमाएं
बहुत ही सुरक्षित है। मैं अपने सारे जवानों को, अधिकारियों को, इस कार्य में, पुनीत कार्य में लगे सब लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं। और आप सतायु हो, आप मजबूत रहें, आपको कोई, हमारे वहां कहते हैं ना, कांटा तक न चुभे, आपके पैरों में कांटा तक न चुभे, आप आगे बढ़ते रहें और देश की सुरक्षा जिस तरह से आप कर रहे हैं इसी तरह से करते रहें। पूरा देश साथ है, पूरी सरकारें आपके साथ हैं। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए पुनः आज के इस पुनीत कार्य के लिए सबको शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू सर फॉर योर इंस्पायरिंग वर्ड्स। आई नाउ रिक्वेस्ट श्रीमती कादंबरी सक्सेना टू प्रेजेंट अ ट्रेडिशनल मेमेंटो टू श्रीमती पुष्पा भट्ट। May I now request our CMD to honor Sri Ajay Bhatt, Honorable Raksha Mantri Ji, with a memento. May I now request CMD to honor Vice Admiral Das Gupta, FOCNC East, with a memento. अब अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय से विनम्र अनुरोध है कि वो वाइस एडमिरल बी दास गुप्ता को स्मृति चिन्ह से सम्मानित करें। May I now request our CMD to honor Vice Admiral Kiran Deshmukh, CWBNA, with a memento. अब अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय से विनम्र अनुरोध है कि वो वाइस एडमिरल किरण देशमुख CWBNA को स्मृति चिन्ह से सम्मानित करें। May I now request our CMD to honor Vice Admiral Adhir Arora, Chief Hydrographer, with a memento. अब अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय से विनम्र अनुरोध है कि वो मुख्य हाइड्रोग्राफर वाइस एडमिरल अधीर अरोड़ा को स्मृति चिन्ह से सम्मानित करें। CMD GRSE is kindly requested to escort Honorable Raksha Mantri Ji to the dais. Shrimati Kadambari Saxena Ji may kindly accompany Shrimati Pushpa Bhatt to the dais. We also request Vice Admiral Adhir Arora, Vice Admiral Kiran Deshmukh, and Vice Admiral Bishwajit Das Gupta to kindly proceed to the dais. The traditional part of the ceremony begins now with the invocation in Sanskrit. Aditi Deor Aditarantariksham Ditir Mata Sapita Saputre Viswadeva Aditi Panchajana Aditi Jami Tirjanityam Mahimu Shumatram Suvartana Matsya Padmavesi Hava Mahe Tavichatra Majaranti Maruncho Sasamari Marditam Satramaram Prithvi Gamaneham Susamari Marditam Suprarotimam Devi Navam Swaritra Nabhagiso Astravati Maruhe Ma Swastaye Vajasya Nuprasave Mahi Madirti Nam Vajsa Karamahe Yasya Upashya Urvantariksham Sana Hamra Trivarutan Niyachat. Thou art the heavens, O Aditi, and thou art the unfathomable space. By thee we art measured and protected, and thou art us, thy children. Thou art all the gods in heaven. Thou art the five nations. Thou art our present and future. Thou the measure of goodness. Thou the mistress of righteousness. To thee we tender our offering.
far flung are thy domains, ever widening, ever prospering. Happy, O Aditi, and blessed in thy guidance. With thy blessings, we embark on this ship that rides well the waves. So broad in beam and spacious, comfortable, resplendent, blessed are her courses, her rudders strong, faultless in construction, her bilges dry. So with the words of praise to thee, we embark on this venture that prosperity may flow. With thy thrice blessed protection, O Aditi, who art thyself, the spirit of the earth and the space and the heavens. देवी और सज्जनों, जलावतरण के दौरान निभाई जाने वाली रस्मों का प्रारंभ हमारी गणमान्य महिला अतिथि श्रीमती पुष्पा भट्ट जी द्वारा पूजा एवं पोत पर कुमकुम लगाए जाने के साथ पोत और पोत पर सवार होने वाले नाविकों के मंगल व खुशहाली के लिए प्रार्थना तथा पोत को मालार्पण के साथ आरंभ होगा। शुरू करो। The sequence that is being followed on stage is the puja with the application of kumkum, prayer for the good health and prosperity of all who sail on her, and garlanding the ship by our lady dignitary Srimati Pushpa Bhatt. Puja is in progress, ladies and gentlemen. देवी और सज्जनों, पारंपरिक रूप से पूजा का प्रारंभ हो चुका है। Garlanding of the ship in progress, ladies and gentlemen. वो थोड़ा ना वो हमने पूजा पहले कर दी। That marks the completion of the puja, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, the next event that shall follow shall be the naming of the ship by Srimati Pushpa Bhatt. Hold. The signature photo with the dignitaries. The wet weather hasn't deterred any one of us here today. The spirits are high. Come hail, come storm. ये स्वर्णिम पल हैं जिन्हें सहेज कर रखे जाने की जरूरत है। इस अद्भुत पोस्ट की पृष्ठभूमि के साथ तस्वीरों को हम सहेज कर रखेंगे। Every
everybody keen to capture the historic moment. Everybody keen to capture the historic moment here. We proceed with the naming of the ship now. Friends from the media, you're kindly requested. We have a time constraint with respect to the launching, which has to happen on time. Request you to kindly move behind. Request you to kindly move behind. मीडिया के साथियों से अनुरोध है कि वो कृपया पीछे चले आएं। जलावतरण का समय सुनिश्चित है। Increase volume here. हमारे विशिष्ट अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें इस स्वर्णिम पलों को सहेज कर रखे जाने के लिए अपनी अनुमति प्रदान की। Increase volume. मैं इस पोत का नाम भारतीय नौसेना पोत संधायक रखती हूँ। इस पोत और इसके सभी नौसैनिकों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। I name this ship Indian Naval Ship संधायक. May God fortune attend her and all those who sail in her. Shrimati Pushpa Bharji has named the ship. May I now request Shrimati Pushpa Bhatt to unveil the name plaque by pressing the button. अब श्रीमति पुष्पा भट्ट जी से विनम्र निवेदन है कि वे बटन दबाकर नाम पट्टिका का अनावरण करें। Unveiling of the name plaque, ladies and gentlemen, by Shrimati Pushpa Bhatt. पोत की नाम पट्टिका का अनावरण श्रीमती पुष्पा भट्ट जी द्वारा किया जा रहा है, जो आज इस पोत की जननी अर्थात माता भी हैं। Unveiling of the name plaque by श्रीमती पुष्पा भट्ट। कुछ ही पलों में नाम पट्टिका का अनावरण हो जाएगा। There goes the button pressed and the unveiling of the name plaque. And so she is named. ये खूबसूरत लम्हे जब नाम पट्टिका का अनावरण आप सबके समक्ष हो रहा है। संधायक, that's her name. Once again, reincarnation of the soul. Back to take on the waters. May I now request Shrimati Pushpa Bhatt to traditionally break the coconut by pressing the button. Ladies and gentlemen, you may observe coconut covered in cloth placed on the port bow of the ship in front of the podium. Devi aur sajano, podium ke samne पोत के पोर्ट बो पर कपड़े में ढके नारियल को आप देख सकते हैं।
moment. Now the launch of the ship. This historic moment, ladies and gentlemen. Srimati Pushpa Bhatt shall press the button and the ship shall be launched. और अंततः वो ऐतिहासिक क्षण आ गया है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। मैं सादर अनुरोध करना चाहूंगा मैडम श्रीमती पुष्पा भट्ट जी से कि वो बटन दबाकर इस अद्भुत अकल्पनीय प्रथम सर्व वेसल लार्ज यार्ड 3025 को जलावतरित करें। देवी और सज्जनों, हम सभी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने जा रहे हैं जब इस अद्भुत अकल्पनीय प्रथम सर्व वेसल लार्ज यार्ड 3025 का जलावतरण होगा। संधायक मूविंग इन टू द वॉटर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, हिस्टोरिक, एब्सोल्युटली हिस्टोरिक, लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर शी गोज। इतिहास के साक्षी बने और ये देखिए आपके सामने संध्यायक, ये पल अद्भुत हैं और आज इतिहास रचा जा रहा है जीआरएससी में। असाधारण दृश्य, ऐतिहासिक पल और सम्माननीय जनसमूह और हमारे माननीय विशिष्ट अतिथिगण। थैंक यू। देवी और सज्जनों, किसी पोत का जलावतरण पोत निर्माण के प्रथम भाग को के पूरा होने को दर्शाता है जिसके अंतर्गत हल एवं उसका सुपर स्ट्रक्चर शामिल है। ये पोत अपने भव्य रूप में है। आज का दिन जीआरएससी के सभी स्तर के कार्मिकों के लिए गौरवशाली दिन है। किसी पोत के जलावतरण के लिए अत्याधुनिक तकनीकी और डिजाइन सामर्थ्य की आवश्यकता होती है। यह डिजाइनिंग, प्लानिंग, फैब्रिकेशन, उत्पादन, संस्थापन क्रमबद्धता में महीनों की कड़ी मेहनत का परिणाम है और यह वास्तव में हम सभी के लिए प्रोत्साहन वर्धक है। पोत को इसके वर्तमान स्वरूप में लाने और जलावतरण हेतु तैयार करने के लिए हम सभी के लिए यह बेहद गौरवशाली पल है। आज हम सभी गौरवान्वित हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वाज द लॉन्चिंग ऑफ द शिप सिग्निफाइंग कल्मिनेशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ शिप कंस्ट्रक्शन व्हिच इंक्लूड हल एंड सुपरस्ट्रक्चर। द शिप लुक्ड ट्रूली मैजेस्टिक। इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड एंड जॉय फॉर ऑल रैंक्स ऑफ जीआरएससी। लॉन्चिंग अ शिप रिक्वायर्स ग्रेट टेक्निकल एंड डिजाइन कॉम्पिटेंसी। It is the culmination of months of hard work in designing, planning, fabrication, production, installation, alignment, and is a source of encouragement for one and all. It is truly a matter of great pride for all those who are involved in bringing the ship to her present shape and getting her ready for launch. Ladies and gentlemen, thank you once again for being here today to witness this glorious moment. Devi aur sajjano, aap sabhi ka bahut bahut dhanyabad. Aap sabhi yahan pe padhare. Aap sabhi se anurodh hai ki kripya jalpan ke liye prasthan kare. Ladies and gentlemen, may I now request all of you to kindly proceed for refreshments.